एन एल का ही है, तो आई एम एडिंग वॉटर, ठीक है। उसमें जो कैटलिस्ट लिया था आपने, सल्फ्यूरिक एसिड लिया था, आप याद करो, ठीक। यू नीड अ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ यहाँ पे HgSO4 भी चाहिए, राइट। गर्व एंड उदयवीर रोल नंबर 40, ठीक है। उसमें सिर्फ हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया था, इसमें साथ में आप HgSO4 भी लोगे। अब वाटर के दो पार्ट है बेटे, एक OH और एक H। H को बॉन्ड रिक्वायर्ड है, OH अपना बॉन्ड लेके आता है, ठीक है। मान लो अगर अब ये दोनों एक जैसे ही कार्बन है, इसमें ये हम क्या नहीं सकते, किसी के पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है या मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो अगर हम H यहाँ ऐड करेंगे, मान लो OH आपने यहाँ ऐड कर दिया, H ने ये बॉन्ड यूज कर लिया, OH अपना बॉन्ड लेके आएगा, ऐसे ही होगा। तो यू विल गेट CH H डबल बॉन्ड CHOH। ऐसा कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करेगी आदित्य जोशी रोल नंबर 43। दिस इज इफ यू रिमेम्बर टोटोमेरिज्म, इट इज इनॉल फॉर्म। यू रिमेम्बर द टोटोमेरिज्म, इट इज अ इनॉल फॉर्म, इन और ऑल दोनों। जब भी इनॉल बनती है, ये टोटोमराइज होके कीटो फॉर्म बननी बननी है, ठीक है। इट विल टोटोमराइज एंड फॉर्म कीटो फॉर्म दैट इज मोर स्टेबल। अब कीटो फॉर्म कैसे बनती है, कीटो फॉर्म होती है कि ये इन है, ये ऑल है, ये इन ऑल फॉर्म है, ठीक है। जब कीटो मींस डबल बॉन्ड हो, तो ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पे, और ये वाला एच कहाँ माइग्रेट हो जाएगा, यहाँ पे। तो यू विल गेट CH3। Now, ये CH3 हो गया, 2H इज ऑलरेडी देयर, H माइग्रेट कर गया, तो यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH, ये क्या बन गया, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड होगा क्या होता है, एल्डिहाइड। तो यू विल गेट एल्डिहाइड फ्रॉम एल्काइन्स, गॉट इट। यू आर नॉट गेटिंग एल्कोहल। इन ऑल जब भी बनेगा, ये टोटोमराइज होके कीटो फॉर्म में चेंज हो जाएगा, समझ आ रही है। तो हमें ये कन्वर्जन भी पूछी जा सकती है, कन्वर्ट जैसे कि एसिटाइलीन इनटू एसिटाल्डिहाइड। ये स्टार्टिंग में क्या लिया आपने, एसिटाइलीन, तभी मैंने इसको बोला था आपको कॉमन नेम ये वाले इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज एसिटाइलीन, ये क्या बना, एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। तो एल्डिहाइड ऑब्टेंड कर रहे हो आप एक एल्काइन से। इसमें इन केस ऑफ एल्कोहल्स यू आर, इन केस ऑफ एल्कीन यू आर ऑब्टेनिंग एल्कोहल। जब वहां पे हाइड्रेशन करते हो तो एल्कोहल मिलते हैं, यहाँ पे हाइड्रेशन करोगे एल्डिहाइड या कीटोन मिलेंगे। टेक नाउ प्रोपाइन, हरी अप, 24 प्रोपाइन। हरी अप प्रोपाइन। अब प्रोपाइन में एडिशन किस के हिसाब से करवाओगे, मार्कोनी कॉफ रूल के हिसाब से, क्योंकि आपके पास दो कार्बन है, एक कार्बन के पास हाइड्रोजन है और दूसरे कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, तो आप देखो करवाओ उसके हिसाब से। अरे अब तो हमारा जो ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम है, सॉरी हाइड्रोजन एटम है, वो ये है। तो यहाँ पे हमारा OH आ जाएगा, एंड हियर यू विल गेट दिस, इजंट इट, यू विल गेट OH हियर एंड H हियर। अब ये कौन सी फॉर्म है, इन ऑल फॉर्म, तो यू विल चेंज इन टू कीटो। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O हो जाएगा और ये H का ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ पे बनाओ फिर क्या बन जाएगा आपका, एसीटोन। या प्रोपेनॉन। तो एग्जाम में आपको ये नहीं बोला जाएगा कि हाइड्रेशन रिएक्शन लिखो, एग्जाम में आपको यही बोला जाएगा कन्वर्ट प्रोपाइन इनटू एसीटोन।
तो आपको स्ट्राइक करवाना है एल्डिहाइड की टोन्स कहाँ बनते हैं। जब भी आप अपने खुद के नोट्स बनाया करो ऑर्गेनिक के, जब आप ये बनाओगे, जब आप हाइड्रेशन रिएक्शन करोगे उसकी ब्रैकेट में लिखोगे इसमें होता क्या है, इसमें एल्काइन एल्डिहाइड और कीटोन्स बनाते हैं। जब हम एल्कीन की हाइड्रेशन करते हैं तो क्या होता है, एल्कीन से क्या बनते हैं, एल्कोहल बनते हैं। आपको किस रिएक्शन में क्या होता है ये पता होना चाहिए। समझ आ रही है? चलो लो अब ब्यूट वन, वन हो गया नहीं टू, लो ब्यूट टू आई, यहाँ पे भी इनोल है। अच्छा यहाँ टर्मिनल कार्बन नहीं है, एल्डिहाइड तभी बनता है जब टर्मिनल कार्बन हो, जब है ही अंदर वाली। तो जैसे अगर ब्यूट वन आइन है तो टर्मिनल हो सकता है, टर्मिनल नहीं, अभी टर्मिनल तो इसी केस में होगा क्योंकि अगर आप ओ एच यहाँ पे ऐड करते हो तो डबल बॉन्ड यहाँ ही आएगा, यहाँ पे तो एच ओ एच ऐड हुआ ही नहीं। अगर ओ एच टर्मिनल पे होता तभी एल्डिहाइड बनता, ठीक है। अब क्या दिया मैंने, ब्यूट टू आइन, कई मर्जी भेज दो बोथ सेम। हाँ अगर ब्यूट टू आइन है कहीं मर्जी भेज दो। तो ऑल है ही नहीं यहाँ पे, तो ऑल है ही नहीं, कभी भी नहीं हो सकता। मैंने अभी क्या समझाया, एल्डिहाइड या कीटोन बनेंगे, क्या बना, नेम बोलो बेटे, नेम नेम पता होने चाहिए, कन्वर्जन तभी एग्जाम में करोगे। ब्यूट टू ऑन, ब्यूटेन टू ऑन, ठीक है। अब इसी में ही नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करो, एडिशन ऑफ एसिडिक एसिड। सिर्फ एक ही रिएक्शन है इसमें, एडिशन ऑफ एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड का ये नेगेटिव पार्ट हो गया, ये पॉजिटिव पार्ट हो गया, हो गया। तो एक तरफ नेगेटिव भेज दो एक तरफ पॉजिटिव भेज दो, मुझे बताओ क्या बना। हरी अब उसमें आपने सिर्फ प्रोपाइन, इसमें एसिटाइलीन लेनी है। गया तो आपका कुछ इस तरीके से बन रहा होगा, कहीं मर्जी ले जाओ। इफ आई एम टेकिंग दिस, यहाँ पे मान लो मैंने एच ऐड कर दिया तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH COO CH3 बन जाएगा, और क्या बनेगा, यही बनेगा। इट्स योर विश कि आप CO इधर ऐड कर रहे हो या उधर ऐड कर रहे हो, इट्स योर विश। इसका नेम क्या बेटे, इट इज कॉल्ड विनाइल एसिटेट। ये जो ये ग्रुप होता है दिस ग्रुप, ठीक है, ये ग्रुप है, इसे कहते हैं जब यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप लग जाए तो इसको हम कहना शुरू कर देते हैं विनाइल। जैसे ये विनाइल क्लोराइड, अब ये विनाइल एसिटेट। कुछ चीजों के कॉमन नेम्स याद करने बहुत जरूरी है, इसका ये विनाइल याद करना बहुत जरूरी है आपको, इसको विनाइल कहते हैं। वैसी इसे अलाइल कहते हैं, ये अगर तीन कार्बन हो जाएं तो ये इसको अलाइल कहना शुरू कर देते हो आप। तीन कार्बन में फर्स्ट कार्बन में डबल बॉन्ड हो और बाकी इसे अलाइल कहना शुरू कर देते हैं, इसे विनाइल कहना शुरू कर देते हैं, ठीक है। सो इट इज विनाइल एसिटेट। ये बहुत बारी मैं यूज करूंगी विनाइल,
ठीक है, विनाइल होता है कार्बन, दो कार्बन बीच में डबल बॉन्ड, ओके, अलाइल में थ्री कार्बन आ जाते हैं, उसमें एक कार्बन पे डबल बॉन्ड होता है, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड होता है उसके लास्ट वाले कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप होता है अलाइल में, ठीक है, ये नहीं कि जहां पे डबल बॉन्ड है वहीं फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ, ऐसा नहीं है, ठीक, एक साइड डबल बॉन्ड है तो लास्ट टर्मिनल एंड पे कोई फंक्शनल ग्रुप होगा, दैट इज अलाइल, दिस इज विनाइल, ओके। नाउ ऐड करो मीथेनॉल, इसी में ही एडिशन ऑफ मीथेनॉल, वो जैमिनल होते हैं, जैमिनल और रेसिनल वो होते हैं जब डाई हेलोजन आते हैं, दैट इज डाई हेलोजन की बात करते हैं, अब डाई हेलोजन की बात नहीं हम कर रहे हैं, ठीक है, चलो नेक्स्ट करो, अब एडिशन ऑफ मीथेनॉल, अब मीथेनॉल में ये नेगेटिव मान लो, ये पॉजिटिव मान लो, वैसे ही आप लो एसिटाइलीन ऐड करो, अरे करो बेटे अपने आप किया करो, जब तक अपने आप नहीं करना सीखोगे नहीं आनी ऑर्गेनिक, मैंने तो लिख ही देना बोर्ड पे, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, एक तरफ एच ले जाओ एक तरफ ओ सी एस थ्री ले जाओ, ये बना, अभी नया एक फंक्शनल ग्रुप आया, इसे क्या कहते हैं, ईथर, चिराग, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, ईथर, ईथर याद है आपको, आर ओ आर, ये एक फैमिली होती है एल्कोल फिनॉल एंड ईथर्स, ठीक है, देखो एल्कोल होता है आर ओ एच, यही होता है ना एल्कोल, ईथर होता है कि ये एच चला जाता है उसकी जगह पे आर आ जाता है, तो ये क्या बन जाता है आर ओ आर, ठीक है, उसके बाद फिनॉल, फिनॉल में इस आर को हटा के आप एक बेंजीन ले आते हो, एल्कोहल वाले आर को, ठीक है, फिनॉल एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ये एक एलिफेटिक कंपाउंड है, सीधी सीधी वाली चेन, फिनॉल एक एरोमेटिक है, बेंजीन के ऊपर ओ एच लगा हुआ है, ठीक है, ये चेन के ऊपर ओ एच लगा हुआ है, यहाँ पे एच हटा के आप आर ले आते हो तो ईथर्स बन जाते हैं, अब इसका नेम क्या है, अब ये देखो ये क्या ग्रुप हो गया, विनाइल हो गया, और ये क्या हो गया, मिथाइल हो गया, तो मिथाइल विनाइल ईथर करो, मिथाइल विनाइल ईथर, जिसका अल्फाबेट पहले आता है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में करते हो आप, तो एम पहले आता है वी बाद में आता है, ठीक है, चलो एडिशन ऑफ, अब हेलोजन रह गया अपने आप करो, एडिशन ऑफ हेलोजन, आपके पास मान लो प्रोपाइन है और आपने क्लोरीन ऐड करनी है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, नहीं बेटे क्लोरीन ऐड कर रहे हो आप, एक्सेल नहीं ऐड कर रहे, टू क्लोरो की बनेगा, वन वन डाई क्लोरो, नाम भी बताना आ रहा बन गया है। क्यों नहीं बता, नाम तो बताने सीखने हैं, एक सी एल यहाँ गया एक सी एल यहाँ गया, प्रोपाइन बना, प्रोपाइन बोला मैंने, चलो प्रोपाइन बनाओ, प्रोपाइन में भी वन थोड़ी ना बनेगा, तब भी ऐसे ही होगा वन टू डाई,
वन टू डाई, दोनों में वन टू डाई ही बनेगा, यहाँ पे भी तो यही बनेगा। मगर ये यहां पे नहीं रुकेगी रिएक्शन, ये फिर से एक मॉलिक्यूल और ऐड करो, क्या बनेगा फिर? फिर से एक मॉलिक्यूल और ऐड करो। हाँ करी थी ना, तो एल्कीन में तो एक एक ऐड करेगा, अब एल्काइन है तो एक और ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे एक एक और क्लोरीन आ जाएगा, यहाँ पे भी एक एक और क्लोरीन आ जाएगा। करो ऐड, उसके बाद नहीं हो सकती। इधर 2 मोल्स ऑफ हेलोजन ऐड होते हैं, वहां पे 1 मोल ऑफ हेलोजन ऐड होता है। अभी एक डबल बॉन्ड बचा है तो इसको आप सिंगल में कन्वर्ट कर सकते हो अभी, तो यू विल गेट ठीक है। तो 1 1 2 2 डाइक्लोरो इथेन, 1 1 2 2 डाइक्लोरो प्रोपेन, टेट्रा क्लोरो, हूँ कर रहे हैं टेट्रा क्लोरो ठीक है। 4 क्लोरीन लगे हैं, 1 1 2 2 टेट्रा क्लोरो इथेन, 1 1 2 2 टेट्रा क्लोरो प्रोपेन ठीक है। अच्छा ब्रोमीन ऐड करो ऐसे। हाँ दोनों में ऐड करके देखो, हम आप केमिकल प्रॉपर्टीज कर रहे हो एल्काइन की, यू आर डूइंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। उन्होंने कौन आया, तीजा चौथा पंजवा सारे लग गए थे, उस तो बाद ड्यूटी भी है। और स्लाइटली एल्केलाइन के MnO4। अच्छा ऐसे करो, अगर आपके पास ब्यूट टू आइन, हरी आप क्या बनाओगे इन केस ऑफ एल्काइन? ब्यूट टू आइन कुछ नहीं, बीच में डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड आ जाएगा। करो ब्यूट वन, ब्यूट टू थ्री डाई ऑन बन जाएगा, करके देखो बन रहा है आपसे? ब्यूट टू थ्री डाई ऑन बन रहा है? नाम आते होंगे तभी कुछ बनेगा बेटे, नेम आएंगे तभी कन्वर्जेंस कर पाओगे, तभी 12th में ऑर्गेनिक कर पाओगे। नेम लिखा हो तो कंपाउंड बनाना है, कंपाउंड नहीं ऐसा तो कुछ होता नहीं, कंपाउंड बनाओ तो आपने नेम लिखना है। हाँ बस कन्वर्जन आनी चाहिए ना आपको, अगर पेपर में आप आ जाए ब्यूट टू आइन को कन्वर्ट करो ब्यूटेन टू थ्री डाई ऑन, पता ही ना हो कि कहाँ बनता है। ये याद है कि हम रट्टे मारे हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, पर ये कहाँ बनता है ये आपको स्ट्राइक तभी होगा जब नेम्स याद होंगे। तो ये नेसेंट ऑक्सीजन तभी दिए। नेक्स्ट राइट डाउन बेटे, इफ यू विल टेक हॉट KMnO4 इन एसिडिक और एल्केलाइन मीडियम, हॉट KMnO4 इन एसिडिक और एल्केलाइन मीडियम। अब इस केस में हॉट लेते थे तो क्या होता था इफ यू रिमेम्बर, कैन यू टेल मी? एल्कीन की केस में जब हॉट KMnO4 लेते थे तो क्या था? हाँ तो क्या करता था फिर वो, देख लो पीछे देखो क्या होता, लिखा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनी थी। यस, तो ये बॉन्ड टूट जाता है, ये बॉन्ड
टूट जाता था, इस केस में अगर यहाँ पे आप हॉट ले लेते हो तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है बीच में से। तो ये वाली कार्बन की एक एसिड बनेगा COH, ये वाला कार्बन का एसिड बनेगा COOH, ऐसे ही होता है। मगर मतलब दो फॉर COH बनने थे इस केस में करना था, मगर जब दो फॉर्मिक एसिड बनेंगे तो वो आगे क्या देते थे आपको, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो एंड प्रोडक्ट आप लिखते थे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन केस ऑफ टर्मिनल, मींस आपको क्या मिलते हैं, एसिड मिलते हैं। अगर आप हॉट ले लेते हो, कॉन्सेंट्रेटेड ले लेते हो एसिडिक और उसमें अल्कलाइन मीडियम में, तो आपका बॉन्ड टूट जाता था इन केस ऑफ एल्कीन्स और आपको दो एसिड्स मिलने शुरू हो जाते थे। अगर तो वो टर्मिनल है तो कौन सा एसिड मिलेगा, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड फर्दर क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक, अब इस केस में क्या है, इस केस में क्या है, अब ये बॉन्ड बीच में है, नो डाउट आपने फिर से हॉट एसिडिक और अल्केलाइन ले लिया, मगर ये बॉन्ड बीच वाला टूटेगा नहीं, तो ये वाला कार्बन भी एसिड बन गया, ये वाला कार्बन भी एसिड बन गया, तो ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, दैट इज ऑक्सैलिक एसिड। अगर एल्कीन होता, यही बॉन्ड बीच में से टूटता, दो फॉर्मिक एसिड बनने थे, फादर उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्या देनी थी, वाटर। समझ आ गई। अब लो बेटे प्रोपाइन लो, हरी अप। यू हैव प्रोपाइन, अब आपने फिर से KMnO4 लिया हॉट इन एसिडिक और एल्कलाइन मीडियम। ठीक, तो ये बॉन्ड टूटेगा तो नहीं है, ये टर्मिनल क्या बनेगा, एसिड बनेगा, टर्मिनल तो एसिड बनेगा, जो बीच वाला है वो एसिड नहीं बन पाएगा, बीच वाला क्या बनेगा, कीटोन, क्या बनेगा, कीटोन। तो ये क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OCOH, टर्मिनल तो एसिड बना लेगा बेटे, टर्मिनल को एसिड बनने में कोई दिक्कत नहीं है, बीच वाला एसिड नहीं बना सकता क्योंकि बीच वाला कीटोन ही बनाएगा, क्योंकि एसिड खुद एक टर्मिनल ग्रुप है, एसिड कभी भी बीच में नहीं आता, इट इज अ टर्मिनल ग्रुप। जो भी आप एसिड लिखते हो वो आप बीच में नहीं, अगर बीच में लिखते हो भी तो कार्बन चेन वहां से शुरू हो जाती है, दूसरी साइड चेन रह जाती है। समझ आ रही है, बनाओ फिर। हो गया, अब घर जाके ना पैरेलल स्टडी करना दोनों की ऑक्सीडेशन, थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर होगा। स्टडी करना एल्कीन और एल्काइन की ऑक्सीडेशन रिएक्शन पैरेलल में, गॉट इट। अब अगर इसको हम हीट कर दें हाई टेम्परेचर पे, इसी को ही लो, टेक दिस मॉलिक्यूल, हरी अप। इसी मॉलिक्यूल को अगर मैं 373 केल्विन पे हीट कर दूं तो ये टूट जाएगा, अब टूटेगा ये, ऐसे टूट जाएगा। ठीक है, अब ये टूटेगा तो ये कौन सा एसिड बनेगा, एसिडिक एसिड, टू कार्बन वाला कौन सा एसिड होगा, एसिडिक एसिड। और ये क्या देगा बेटे, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यू विल गेट एसिडिक एसिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, अगर आपके पास ब्यूट टू आइन हो, चलो हरी अप, ब्यूट टू आइन,
लिख लिया ब्यूटी टू वाइन। क्या नाम बन रहा है आपका प्रोडक्ट? ये टर्मिनल तो नहीं है? हाँ तो ब्यूटेन 2,3 डाइऑन बनेगा बिकॉज इट इज नॉट अ टर्मिनल ग्रुप। बना डबल बॉन्ड और बीच में आ जाएगा जैसे इसमें आया। आया एवरीवन? अगर यहां पे मैंने क्या किया, CH3 ही एक्स्ट्रा किया, अब ये टर्मिनल नहीं रह गया। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड और लगा तो यहाँ पे भी अब डबल बॉन्ड और लगेगा, तो यू विल गेट ब्यूट ब्यूटेन 2,3 डाई ऑन बन गया। अगर ब्यूटेन 2,3 डाई ऑन को आप 373 केल्विन पे हीट करो तो आपको क्या मिलेगा? 2 moles ऑफ एसिडिक एसिड, 2 moles ऑफ एसिडिक एसिड, क्योंकि इधर भी CH3 C डबल बॉन्ड हो है, इधर भी CH3 C डबल बॉन्ड हो है, तो यू विल गेट 2 moles ऑफ एसिडिक एसिड। अब आज जाके बेटे प्लीज अपना चार्ट प्रिपेयर करना, एक तरफ प्रेपरेशन एल्कीन की लिखना, एक तरफ एल्काइन की, एक तरफ केमिकल प्रॉपर्टी हमने सिमिलर वाली करी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और ऑक्सीडेशन। इधर से